हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज भी बहुत हवाएं चल रही हैं और बहुत मौसम में ठंड हो गई है। लगता है जैसे ठंड फिर से आ गई है। और ये देखिए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि ये नींबू का पेड़ है और काफ़ी, जैसे कि 6-7 साल हो गए हैं इसको, और ये इतने बड़े पॉट में, गमले से क्या कहेंगे, ड्रम में लगाया हुआ था और आज तक इसमें एक भी कली नहीं आई थी। लेकिन इस बार ये देखिए, इसमें पहली बार कलियां आई हैं। अगर ये कलियां नहीं आई होती तो मैंने एक पौधे बेचने वाला आया था, उसे दिखाया था पेड़ को। वैसे तो इस पेड़ को मैं नर्सरी से ही लाई थी, तो वो कह रहा था कि कभी कभी पौधा इनफर्टाइल होता है, तो मुझे लग रहा था अरे कहीं इसे उखेड़ना ना पड़े, इतना पुराना पेड़ हो गया। लेकिन खैर, कल मैंने देखा कि इसमें कलियां आ गई हैं। और ये देखिए, पीले रंग का डहलिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरा नारंगी का पेड़ है, ये भी नारंगियों से, जिसे कहते हैं नहीं, लदा हुआ है, लेडन विद नारंगीज। ठंड की वजह से मुर्गियों को मैंने रात में आकर और ज़्यादा कवर किया। और ये देखिए कितना ज़्यादा शोर मचा रही हैं खोलने के लिए। खोलेंगे भाई, सोनू भी पहचान चुके हैं और खुश हैं, अब खोला जाएगा। इन्हें मैं बहुत ज़्यादा कवर करके रखती हूँ, वरना मुर्गियाँ जो हैं बहुत नाजुक हैं होती हैं, गर्मी और सर्दी दोनों नहीं झेल सकती। ये झूला तो आपने देखा ही है, सोनू का फेवरेट प्लेस है। अब मैं ये, इसके ऊपर ये मैंने शेड डलवाया है, ताकि ये धूप और बारिश से बचा रहे। और इसी तरह से ये जो एक मुर्गों का घर था, इसके ऊपर भी शेड डलवाया है। मौसम में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, इसलिए फ्लावर बर्ड्स अभी भी ऐसे ही पड़े हैं, कोई बीजों को बोया नहीं गया है। बस ठंड का ये फ़ायदा है कि पिटूनियाज खूब लहरा रहे हैं, खूब फूल आ रहे हैं। सीजनल प्लांट्स के लिए मौसम बहुत ही फेवरेबल है। चलिए तो फिर वीडियो बंद करते हैं और रूटीन वर्क, मुर्गों को खोलने का काम शुरू करते हैं। बाय।